सांस्कृतिक जागरण मंच सतत सेवा कार्य करने वाली पहली संस्था बनी है। हजारों जरूरतमंदों को सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मदद से 12,000 परिवारों तक 7 दिनों का राशन और 50,000 मास्कों का वितरण किया। इस संकल्प के साथ सांस्कृतिक जागरण मंच के संयोजक नीलेश भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ता रात दिन सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। लॉकडाउन होने के बाद लगभग सभी संस्थाओं में काम बंद हो गया है, परंतु सांस्कृतिक जागरण मंच अनवरत सेवा कार्यों के माध्यम से अब तक जरूरतमंदों की मदद के लिए रात दिन लगा हुआ है। मंच के संयोजक नीलेश भारती ने बताया कि ठेले वाले, रेहड़ी वाले, छोटी छोटी दुकान वाले, घरों में काम करने वाली बहनें, गांव में घूमकर सामान बेचने वाले कई बंधुओं की आजीविका अभी प्रारंभ नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में लोग अभी भी संकट में हैं। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कि अनलॉक 5 प्रारंभ हो चुका है और जिसके कारण अब धीरे धीरे पूरा भारत हमारा खुलने लगा है, लेकिन खुलने के साथ साथ में कुछ समस्या भी हमारे बीच में ये है कि हमारे जो छोटे छोटे काम करने वाले बंधु हैं, ठेला लगाने वाला, रेहड़ी की दुकान लगाने वाला, गांव में जाकर के छोटे छोटे सामान बेचने वाले, ये बंधुओं के अभी पूरा जीवन जो इनकी आजीविका है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, वो अभी पटरी पर नहीं आई। हम सब कार्यकर्ताओं ने, सांस्कृतिक जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि जब तक इनका जीवन पटरी पर सरपट दौड़ने नहीं लगेगा, इनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ने नहीं लगेगी, तब तक हम इनके साथ सेवा के मार्ग पर दौड़ते रहेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी अपने आसपास कोई बंधु हो, परेशान हो, तो इस प्रकार का, चूँकि अनलॉक हो गया है तो बहुत सारी, भारत तो पूरा खुल गया है लेकिन अभी बहुत सारी समस्या अभी हमारे बीच में बाकी है, उसकी चिंता हम सब करेंगे तो ठीक रहेगा। हमारे बीच में काम में अच्छी सेवा, हमारे लॉकडाउन में हमारे लोग को सेवा करी और अच्छे साथ दिया हमको, तो बार बार हमको देखने के लिए आए कि क्या भूखे मर रहे, क्या प्यासे मर रहे, अच्छी तरह से हमको साथ निभाए। ये भारतीय हमारे जय। साथ में लॉकडाउन में कोई ने हमारी व्यवस्था नहीं करी, पर इन भाइयों ने और नीलेश भारती ने, इनके साथी बंधुओं ने हमारी अच्छी व्यवस्था करी, देखभाल करी, आने जाने में हमारी सब व्यवस्था करी, करते नीलेश भारती और करते रहेंगे और आगे तक। लोहे का धंधा है वो कभी भी वो भी बंद पड़ा, ढोरों का धंधा बंद पड़ा, कीड़े पाड़े बंद पड़े, सब धंधा कुछ भी नहीं, ना रोजगार ही हम, ना रोजगार लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।